राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और सभी पार्टियां जनता के मूड को भांपने में लगी हैं और पिछले चुनाव के आंकड़े और रुझान को देख सुन और समझ रही हैं। उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार कर रही हैं। आज हम आपको राजस्थान के झुंझुनू के बारे में बताएंगे कि यहां की जनता का कांग्रेस और बीजेपी के प्रति क्या रुख है और झुंझुनू की जनता किसको अपना झुंझुना देगी। वैसे तो झुंझुनू जिले में कुल 7 सीटें हैं, जिस पर 2 कांग्रेस के खाते में हैं और 2 बीजेपी के, 1 बीएसपी, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के कब्जे में हैं। लेकिन ये बात 2013 की है। अगर आज के माहौल की बात करें तो झुंझुनू की जनता बीजेपी और वंशुधर से काफी नाराज है। राजस्थान के बाकी क्षेत्रों की तरह झुंझुनू में भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन बेरोजगारी की तरह एक और भीषण समस्या है, वो है पानी की समस्या। 1994 में यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान, हिमाचल, यूपी, हरियाणा के साथ समझौता हुआ था, लेकिन ये पैक्ट आज तक जमीन पर नहीं उतरा। अगर ये प्रोजेक्ट जमीनी हकीकत लेता तो झुंझुनू की पानी की समस्या हल हो जाती, लेकिन आखिरकार ऐसा ना हो सका। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जिले में जल संकट पर काबू पाना था, लेकिन ये समझौता अभी तक कागजों में ही सीमित है। अगर ताजा हालात पर गौर करें तो लोग बीजेपी और वसुंधरा से काफी नाराज चल रहे हैं। लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार ने पानी की समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया। अगर झुंझुनू के लोगों के ताजा रुझानों पर गौर करें तो लोग बीजेपी से सख्त नाराज हैं और बीजेपी को सिखाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि झुंझुनू की जनता इस बार अपना झुंझुना कांग्रेस को देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 दिसंबर के मतगणना के दिन 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं।